नमस्कार, मी अश्विनी आणि तुम्हाला माहिती आहे मी आहे सध्या कर्नाटक मध्ये. आता माझ्या सोबत पाटील सर आहेत आणि ते या इलेक्शन मध्ये काँग्रेसकडून निवडणूक लढे होत आहेत. सर, अभी यहाँ पे जो हमने देखा कि चार दिन पहले ही राहुल गांधी भी यहाँ पे आए थे, नरेंद्र मोदी भी जो आए थे, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का मतलब कांटे की टक्कर हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, वो मैं ये सातवां चुनाव मेरा है. क्या बात है, ग्रेट. मैं चार बार जीत कर आया हूँ, ये पांचवा बार. और सुमनाबाग क्षेत्र में ये जो डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन होने के बाद ये जो घाट बोल जो आप यहाँ पर है, ये घाट बोल क्षेत्र डिलिमिटेशन के बाद सुमनाबाग क्षेत्र में आए. अच्छा. उसके बाद हर पांच साल को चुनाव होता है. जी. 2008 में मेरे को यही इस पदक क्षेत्र से 20,000 मत से मेरे को जीता है. 2013 में 25,000 से 26,000 से मेरे को जीता है लोग, यही मत क्षेत्र. 2018 में मेरे को 32,000 वोट से जीता है. क्या बात है, इट्स अ रिकॉर्ड. हर पांच साल में 5,000 से 7,000 वोट मेरे को ज्यादा डालकर मेरे को जीता है. और ये दफा जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार के लिए मैं निकला, जो पिछले में 5-6 चुनाव में कैसा लड़ा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स ये दफा मेरे को मिल रहा. ये राजनीति है, अलग अलग पार्टी से अलग अलग बोलते रहते पब उसको हम दमक देने कोई जरूरत. अब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी आए थे और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और हमारे CLP के नायक सिद्धरामय्या जी आए थे. बहुत सारे नेतागण आए थे, सभी उनका प्रचार का जो बात करने का. आज हमारे साथ राज्य के माजी गृह सचिव विजय सिद्धे साहब आए यहाँ पर गढ़वाड़ी घाट बोर्ड को. और बहुत सारे लोग, मैं लोगों के पास क्या बोलकर जा रहा हूँ, मैंने काम किया जी. मैं आपका सेवा किया, आपका अभी फिर काम करना है और एक बार मौका दो. और लोग, सभी लोग बहुत उनके मन से आप जो आप काम करना था उससे ज्यादा आपने काम किए और आगे आने वाले दिनों में हम बहुत बहुत काम हमारे इस पे रख ले, आप वो भी करेंगे बुकर, हम आपको बिल्कुल बिना शर्त हम आपको वोट डालेंगे बुकर. सभी लोग, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि बाबा बजरंग दल जैसे कड़वी संगठनों पर हम लोग बैन लगाएंगे, लेकिन उसी बात को अपोज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं जय बजरंग बली बोलूंगा. आपको लगता है कि ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है कॉमन पीपल के लिए? बजरंग बली उनको ये कुछ नहीं, सबको है बजरंग बली जी. खाली बीजेपी वाले कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले भी है, लिंगायत में सभी कांग्रेस वाले भी है ना, भी बजरंग बली कुछ जाते. हम भी सुबह उठे तो वीरभद्रेश्वर का दर्शन लेते, बजरंग बली का दर्शन लेते, थोड़े उन्हों बजरंग बली बोलते ही हो गए क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता. मतलब ये सारी बातें सिर्फ प्रचार के लिए, और ये खाली प्रचार के वास्ते, ये भी 10 तारीख तक रहेगा, उसके बाद फिर कोई इसके बारे में याद भी नहीं करेगी. सर, हम लोग ग्राउंड पे गए थे तो सबसे पहली बात जो हमें दिखाई दी कि एजुकेशन को लेकर, यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर सरकार में थोड़ी सी अनास्था है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, आपको मैं बताऊंगा, आप चलिए. हमने पहला प्रतिनिधि वो स्कूल थे, स्कूल जो स्कूल बिल्डिंग हमने बनाए, जो कल्याण कर्नाटक जो फंड है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हम स्कूल कुछ दे. हम दिल्ली माधुरी हमने अहमदाबाद में एक स्कूल बने, करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर, आपको मैं कल बताऊंगा. और डिग्री कॉलेज, मीरा जोधी पाटिल साहब जब MLA थे उन्होंने डिग्री कॉलेज लाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्डिंग वगैरह नहीं था. मैं इस क्षेत्र के MLA बनने के बाद दोनों तरफ उमनाबाद और चिड़गुफा में 15-20 करोड़ रुपए खर्च कर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए. आप खुद देखिए क्या हम बनाए क्या नहीं, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैसा है. और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को भी तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो ग्रेड मिलता ना B+ है. UGC NAC कमेटी का जो है था, अहमदाबाद को भी B+ है, चुरूपा को भी B+ है. उन्हें B+ देना पड़ता है, कुछ तो सहूलत रहते रहेंगे ना. सर, इन दिनों में कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सर कांग्रेस का कुछ है प्लान? देखिए, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे जी, जब 440 रुपए को एक सिलेंडर था जी, जब 2014 से अब 2023 तक जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनाए होने के बाद, आप ही देखिए, अब यहाँ पर घाट बोल में एक सिलेंडर मिलना है तो 1,250 रुपए मिलता है. गरीब लोग वो लेकर आकर कर सकते क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. ये खाली भारत जनता पार्टी वाले एक एक सिलेंडर दे मुफ्त में, आप लो बगर, वो लेकर क्या करेंगे? एक बार फिलिंग कर लेकर आए तो 1,250 रुपए कहां से देंगे? अभी हम चुनाव प्रचार के
गए तो लोग वही बोल रहे क्या है इतना महंगाई हो गई, कैसे हम कैसे जीना, आज तेल का भाव कैसा है 220 रुपए को केजी। बिल्कुल, जब मनमोहन सिंह जी का था 80 रुपीज को केजी था जी। आज पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, हर चीज में देखिए महंगाई। पेट्रोल ज्यादा है आपके यहाँ पे, थोड़ा कम है डीजल का। कर्नाटक में कुछ टैक्सेस में हमारे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है जी। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्ट्रक्चर है, कोई आपको मालूम जीएसटी का कैसे चल रहा है। ओ माय गॉड, जीएसटी में कर्नाटक में कितने पैसे हम भरे, कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, और हमारे रिटर्न कितना आ रहा, 33% आ रहा, सिर्फ 33% जीएसटी हमको वापस दे रहे, तो कैसे हमारा चेट अभिवृद्धि होता बोलो। और आपको मालूम है ये जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया 40% कमीशन देने तक काम नहीं चल रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिंदे साहब बहुत सीनियर एक्स मिनिस्टर है, 7 बार विधायक बने, हर गवर्नमेंट में कुछ तो कुछ रहेगा वो बात अलग है, लेकिन ये गवर्नमेंट में 40% 50% कभी हम नहीं देखे। मैं भी 4 बार एमएलए विधायक बन चुका हूँ, मिनिस्टर बन चुका हूँ, ऐसा कभी मैं कभी नहीं। आज लोग बहुत बेजारी को आ गए कर्नाटक में, ये कांग्रेस पार्टी को ये लोग ऐसा बोल रहे कि सब कांग्रेस पार्टी अधिकार को आना बहुत जरूरी है, और आगे आने वाले दिनों में अभी देखिए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो COVID-19 हो गया जी, जी। इस कर्नाटक में बोले बीदर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग मर गए, बहुत लोगों का देहांत हो गया, यंग हो गया, बुढ़े हो गए, मिडिल एज हो गए, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी नहीं आए, क्या हो गया इस बीदर में, कितने लोग मरे, क्या हो गया बोलकर अमित शाह साहब नहीं आए, आज चुनाव के लिए रोज चक्कर डाल रहे। आप देखिए 4 दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब का कर्नाटक में प्रोग्राम, अमित शाह जी का प्रोग्राम यहाँ पर है, यूपी सीएम का प्रोग्राम यहाँ पर है, कितने लोग कर्नाटक में खाली राजनीति करने के बाद चुनाव जीतने के बाद क्या क्या कारनामा है सब चीज कर रहे हो। और सर फिर आपको एक बात पूछूंगी कि इन सारी बातों में महिलाओं के आरोग्य के आरोग्य को लेकर आप कुछ मतलब कांग्रेस में कुछ है ऐसा कि जो, क्योंकि ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे महिलाओं के हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा इग्नोरेंस होता है। देखो यहाँ पर भी हॉस्पिटल हमने बनाया जी, क्या की एम्बुलेंस वाला बोलते एम्बुलेंस का सुविधा हम कर दिए, अभी आगे आने वाले दिनों में फिर अपग्रेडेशन कर जो सुविधा होना बिल्कुल लेडीज के लिए भी क्या होना, जो डिलीवरी यहाँ पर होना सभी फैसिलिटीज हमने कर। अभी आपको आप शायद आप देर हो गया, अभी भी हमारे लोग आपको बताएंगे यहाँ पर हमने कित्तूरी रानी चन्नम्मा के हॉस्टल बनाए, करीब 26 करोड़ रुपए हमने खर्च कर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। जब मैं इस राज्य के मंत्री था माइंस एंड जियोलॉजी, हमारे जो प्रियंक खड़गे जी जो अभी AICC के मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके सुपुत्र, हम दोनों मंत्री थे उस टाइम को, मैं बोलने के बाद 26 करोड़ को नहीं दिए। आज हम नया आप देखिए बेंगलुरु का जैसे तुम्हारा मुंबई का जैसा वातावरण है, वो कैंपस को गए तो ऐसा देखेंगे आप, 250 बच्चे वहां पर पढ़ेंगे देश में पूरे। यहाँ पर बोल कर 70 करोड़ तो करे रहे, आपको शायद मालूम है मुंबई में भी महाराष्ट्र में यही, ये कर्नाटक में भी यही चल रहा। आपने मराठी में बताया ये जो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव जी, ये कर्नाटक किस साल से भी कांग्रेस पार्टी को जीतना नहीं चाहिए, वो बीजेपी का बड़ा मुद्दा है, क्यों वो अगर मुझे पता नहीं, अगर ये स्टेट अगर लोग जीतने को पड़े तो कोई रुका नहीं सकते। लोगों के हाथ में इस प्रत्येक क्षेत्र के, हमनाबाद के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इस राज्य के बारे में तो 7 करोड़ मतदार है उनके ऊपर है निर्णय लेने का, वो जो निर्णय लेंगे वो फैला हो जाएगा। लास्ट सर आप कुछ इमोशनल अपील करना चाहोगे आपके वोटर्स को, या फिर पूरे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं ये पूरा मतलब कर्नाटक में भी दिखेगा, तो लोगों को आप कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए मैं अपील करने के एक ही है, मेरे को यहाँ पर 4 बार मेरे को विधायक बनने का आपने आशीर्वाद किए, हर 5 साल को मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर मेरे को जीता है। मैं ये दफा भी मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, आप ये दफा भी कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट को राजशेखर पाटिल को आपका सेवक बनकर, एमएलए मिनिस्टर बनकर नहीं आपका एक सेवक बनकर आप और एक बार आशीर्वाद करें। अभी जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी जो बाकी है हम पूरे डेवलपमेंट करके हम दिखाएंगे।
क्या बात आहे, व्हेरी वेल सेड सर. या अनुषंगाने मी इतकंच सांगेन मंडळी, खर तर शिक्षण हा खूप महत्वाचा भाग आहे आणि हे शिक्षण जर नाही मिळालं तर पुढची पिढी नक्कीच घडणार नाही. तर शिक्षणावर काम करा, आरोग्यावर काम करा, महिलांच्या आरोग्यावर काम करा, महिलांच्या सुरक्षेवर काम करा, या सगळ्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर काम करा, अशा शुभेच्छा मी सरांना देते आणि इथे ब्रेक घेते. थँक्यू सो मच सर.